हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपना ध्यान रखते होंगे फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना है हेल्दी खाना है ठीक है आपको नॉर्मली कोल्ड अगर और फीवर हो जाता था तो बड़ा नॉर्मल सा रहता था कि चलो कोल्ड हो गया फीवर हो गया कोई बात नहीं लेकिन अगर अब आपको नॉर्मली भी कोल्ड या फीवर हो जाएगा तो दिमाग में आपके वही जाएगा कि कहीं ये वो तो नहीं ठीक है तो इस डाउट से खुद को बचाने के लिए खुद को शुरू से ही हेल्दी रखिए ताकि आपको नॉर्मली कोल्ड या फीवर भी ना हो जिससे आपके मन में डाउट ना हो क्योंकि अगर डाउट आ जाएगा तो आपके दिन खराब होंगे टेंशन में रहोगे और फिर तैयारी नहीं कर पाओगे ठीक है चलिए तो यूपीएससी ई पी के लिए ये आपका शेड्यूल है फर्स्ट से सेवन्थ जून तक का और इसमें अब जो हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पॉलिटी इससे पहले हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर हिस्ट्री देख चुके हैं तो ये जो एमसीक्यूज होंगे बच्चों इनको हम एक सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे ताकि इन सीक्वेंस इस सीक्वेंस के थ्रू ही आपका एमसीक्यूज के थ्रू ही जो है मेजरली आपका सारे का सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाए ठीक है तो ये हमारी जो है बहुत ज्यादा कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएं चलिए तो आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पॉलिटी में क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं तो एमसीक्यूज में आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश के अंडर जो रूल्स बने जो लॉज बने या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई जो वेरियस एक्ट्स बने उन एक्ट्स में से अक्सर जो है एक आधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है तो इन क्वेश्चन uh, को आज हम देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसके हम दो पार्ट्स देखेंगे क्योंकि इसके दस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आज हम सिर्फ दस क्वेश्चन करेंगे अब आपने प्रोसेस क्या फॉलो करना है देखो बच्चों दस क्वेश्चन होंगे आपके यूपीएससी ईपीएफओ के हिसाब से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और दस क्वेश्चन अब आप देखो कि यूपीएससी में जो पेपर uh, होता है ईपीएफओ का उसमें एक सौ बीस क्वेश्चन होते हैं सौ नंबर के तो अगर आप कैलकुलेट करो हर क्वेश्चन के सही जवाब पे आपको मिलते हैं पॉइंट एट थ्री मार्क्स और हर क्वेश्चन के गलत जवाब पे आपको मिलते हैं पॉइंट टू सेवन मार्क्स ठीक है तो पॉइंट एट थ्री मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड पॉइंट टू सेवन आप डिडक्ट कर दोगे हर गलत सवाल के लिए तो आपके पास क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन मैं जब रीड कर दूंगा आपको समझा दूंगा उसके बाद आपको ट्वेंटी सेकेंड्स मिलेंगे उसको अटेम्प्ट करने के ठीक है उसके बाद लास्ट में जब 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए बीच में आप स्किप भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ठीक है तो लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि आपके कितने मार्क्स बने टोटल 8.3 में से आपके टोटल कितने मार्क्स बने और इसी से हमें अपने कंपटीशन का पता चलेगा किसी ने भी शर्माना नहीं है कि मेरे कम नंबर बने या मेरे ज्यादा नंबर बने ऐसा कुछ भी नहीं है हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और अभी हम सीखने के प्रोसेस में हैं तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्टेज पर आपको कितना एफर्ट और डालने की जरूरत है चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हैलिना एक्ट वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन है जो आपको या तो आता है या नहीं आता है इन क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा सकते गेस वर्क नहीं कर सकते एलिमिनेशन नहीं यूज कर सकते या तो पता है या नहीं पता है ऑप्शन ये है कि भैया चार्टर एक्ट सेवनटीन नाइन्टी थ्री का अठारह सौ तेरह का अट्ठारह का या एटीन फिफ्टी थ्री का आपका समय शुरू होता है अब चलिए तो आंसर देखे देख लेते हैं सबसे पहले इसका क्या आंसर होगा देखो बच्चों ऐसा है जो सेंट हेलिना एक्ट है ना इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को आपका सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है अब इसको सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहा जाता है इसका एक रीजन इसके प्रोविजंस के अंदर है क्योंकि इसको सेंट हेलिना एक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रोविजन में कुछ ऐसा एक पॉइंट था तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके प्रोविजन देख ले तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़ा सा डिटेल्ड अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और किसी ने भी एक्सप्लेनेशन को लिखना नहीं है या क्वेश्चन को लिखने में वक्त जाहिर नहीं करना है क्योंकि आपको पीडीएफ इसका जो है अवेलेबल हो जाएगा मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ओके चलो तो आंसर इसका क्या होगा एक सेकेंड देर इज कंफ्यूजन ओके आंसर सी होगा बच्चों इसका आंसर सी होगा ऑप्शन बी नहीं इसका आंसर सी होगा 1833 वाला जो एक्ट है उसको सेंट हेलिना एक्ट जो है वो कहेंगे ठीक है ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी इसका आंसर होगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर क्यों होगा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है बाकी के प्रोविजंस करने से पहले मैं सबसे पहले इसी प्रोविजन के ऊपर आता हूं कंट्रोल ऑफ द आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन ठीक है सेंट हेलिना एक आइलैंड है एक पर्टिकुलर आइलैंड है आपका ये जो आइलैंड था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में था और 1833 के एक्ट से ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया इसी वजह से इसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहा गया ठीक है यही कारण है कि 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट जो है कहा गया ओके अब इस एक्ट में बेसिकली क्या था थोड़े से प्रोविजन और देख लेते हैं सबसे पहले इस एक्ट ने चार्टर को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया आपने देखा होगा कि हर चार्टर एक्ट के थ्रू आपके जो एक्सटेंशन है वो दी जाती गई 1813 में चार्टर एक्ट आया उसने 20 साल का एक्सटेंशन दिया फिर 1833 में आया फिर 20 साल का एक्सटेंशन दिया तो इसके कुछ प्रोविजंस थे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था अब उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको बना दिया गया पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था यानी कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई यहां पर कहा जाता है कि 1833 के एक्ट में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन जो हो गई थी क्योंकि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था या मद्रास होता था अलग अलग होते थे अब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया निकल कर आया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने देखो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनमें एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो पहला गवर्नर कौन था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव ठीक है ये आपने याद रखना है ये बिल्कुल भी किसी ने भूलना नहीं है फिर पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था पहला वॉरन हेस्टिंग्स और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक तो ये तीनों आप, आपने इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको होनी नहीं चाहिए उसके बाद यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन क्यों हो गई क्योंकि जो गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के और मद्रास के अब उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो ले ली गई ठीक है और गवर्नर जनरल को बोल दिया गया कि भैया आप ही भारत सरकार हो आप ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और इनको एक काउंसिल प्रोवाइड किया गया लॉज वगैरह बनाने के लिए जिसको बोला गया इंडियन काउंसिल ठीक है और ये ही जो काउंसिल था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसको कहा जाता था इन्हीं के पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी लॉज ये ही बनाते थे उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज एज अ कॉमर्शियल बॉडी कंप्लीटली एंड कर दी एंड नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जस्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ठीक है और साथ ही साथ कंपनी ने अपनी मोनोपली जो थी उसके पास ट्रेड की चाइना के साथ वो खो दी अब कंपनी के पास कोई भी मोनोपली नहीं थी ठीक है पहले कंपनी के पास मोनोपली होती थी चाइना के साथ ट्रेड की अब वो मोनोपली कंपनी से ले ली गई अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी आकर जो है चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउड था कि वो चाइना के साथ ट्रेड करे उसके बाद इसने अटेम्प्ट किया 1833 के एक्ट ने एक ये किया कि वो ओपन कंपटीशन लेकर आए सिविल सर्विसेज के लिए जो है ओपन कंपटीशन का प्रोविजन वहां पर रखा जाए ठीक है लेकिन यह प्रोविजन को अल्टीमेटली हटाना पड़ा क्योंकि जो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट थे कि आप एक ओपन कंपटीशन का एलिमेंट लेके आए जिससे इंडियंस भी जो है ओपनली कंपीट कर पाए तो अल्टीमेटली इस प्रोविजन को हटा दिया गया और लास्ट प्रोविजन जिसकी वजह से इसको सेंट हेलिना आइलैंड कहा गया क्योंकि सेंट हेलिना आइलैंड जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया अब आप मेरे को कमेंट में यह बताएंगे कि ये सेंट हेलिना आइलैंड है कहां नहीं तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल भी जल्दबाजी आपने क्वेश्चन पढ़ने में नहीं दिखानी और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया यूपीएससी के पेपर में आपने दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय करेक्ट नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट ट्रू नॉट ट्रू वन ऑफ दीज not one of these. इस तरह के वर्ड्स की वर्ड्स कई बार क्वेश्चन में मिलते हैं और आपने ये क्वेश्चन में की वर्ड ढूंढने हैं और उनपे सर्कल लगा लेना है अब यहां पर क्या पूछा है करेक्ट तो पहले सबसे पहले करेक्ट के ऊपर गोला लगा लेना आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ठीक है क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1913 क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन ठीक है कि 1919 के एक्ट ने एक नया ऑफिस क्रिएट किया हाई कमिश्नर का और स्टेटमेंट टू कहता है कि 1935 का जो एक्ट था उसने काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया था उसको एबॉलिश कर दिया इनमें से सही कौन सी आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब चलिए तो देखिए इसका क्या सही जवाब होगा अब देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन जो कह रहा है कि 1919 के एक्ट ने हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया लंदन में ठीक है जगह देख लो जगह इंपॉर्टेंट है ये भी सही होनी चाहिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 1919 के एक्ट ने आपका हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही होगी तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता डी ऑप्शन नहीं हो सकता दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 1935 के एक्ट ने काउंसिल को एबॉलिश कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को तो नहीं एबॉलिश किया यह सिर्फ काउंसिल को एबॉलिश किया एटीन फिफ्टी के एक्ट ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया था और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक काउंसिल दिया गया था इसको हेल्प करने के लिए जिसको इंडिया काउंसिल बोला जाता था या काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाता था ये पंद्रह लोगों का काउंसिल हुआ करता था तो क्या ये ऑफिस को एलिमिनेट किया 1935 के एक्ट ने या इस काउंसिल को एलिमिनेट किया ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट कहना चाहता है कि काउंसिल को एलिमिनेट किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस अभी भी था तो क्या इसका सही आंसर होगा बच्चों इसका आंसर सही होगा आपको ऑप्शन सी क्योंकि हां काउंसिल ऑफ जो इंडिया था उसको एलिमिनेट कर दिया गया अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस सिर्फ स्टैंड लोन ऑफिस था जिसमें सिर्फ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा अब ये इंडिया काउंसिल नहीं होगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इसका ऑप्शन सी एक बार डिटेल देख लेते हैं ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसमें आपका ये हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया लंदन में जगह भी इंपॉर्टेंट है याद होनी चाहिए और इसको कुछ पावर्स जो पहले कुछ फंक्शंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस परफॉर्म करता था अब वो कुछ फंक्शंस ये आपका हाई कमिश्नर जो है परफॉर्म करेगा एक्ट इंपॉर्टेंट है देखो ये जितने भी एक्ट है ना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर एक्ट हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन इन सब लिए ना मैं शॉर्ट वीडियोज बना दूंगा अलग अलग ठीक है और इनमें मैं प्रोविजंस डिस्कस कर दूंगा डिटेल में वो मैं आपको कुछ ही दिनों में आपको अपलोड कर दूंगा तो वो सारे एक्ट आप वहां से पढ़ लेना ओके चलो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसने अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को जो 1858 के एक्ट में बना था ये भी आपको इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था ना आपके 1857 के विद्रोह के बाद जिससे कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया था तो उसी एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी बनाया गया था ठीक है और इसको एक टीम दी गई थी टीम ऑफ एडवाइजर्स जिसको कहा जाता था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ रहा है चलिए, और executive function को Governor General के अलग अलग कर दिया गया था अभी भी आप देखते हैं तो आपकी अगर पार्लियामेंट है तो एग्जीक्यूटिव जो भारत सरकार है वो क्या हो गई वो एग्जीक्यूटिव हो गई और पार्लियामेंट क्या हो गई लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट आपका लेजिस्लेचर हो हो गया क्या हो गया और एग्जीक्यूटिव क्या आपका मोदी सरकार ठीक है तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सरकार जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जो पार्लियामेंट है जहां पर लॉ पास होते हैं एक्ट पास होते हैं वो लेजिस्लेचर है अब काफी समय तक ऐसा होता था कि अंग्रेजों के समय में लॉ भी एक लॉ बनाने वाली बॉडी और एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी उसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी सेम थी पहली बार इनको अलग कब किया गया 1833 के एक्ट से 1853 के एक्ट से 1773 के एक्ट से या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से बताइए समय शुरू होता है अब चलिए तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा आपका इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1853 के एक्ट से चार्टर एक्ट से आपके लेजिस्लेटिव और लेजिक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था ठीक है अब लेजिस्लेटिव और लेजि फंक्शन होता क्या है एक बार ब्रीफली समझ लो लेजिस्लेटिव यानी कि कोई एक्ट बना ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक ये एक्ट किसने बनाया ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने ठीक है एक्ट बनाने का काम किसका था पार्लियामेंट का legislative function. अब अब क्या होगा? इस act की implementation, अब ये तलाक में जितने भी लेजिस हैं चाहे चाहे वो jail के चाहे वो penalty के के हैं, हैं, जो भी प्रोविजन हैं, इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा इनको इंप्लीमेंट कराएगी सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से ठीक है तो दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा एटीन के एक्ट की देखिए अब ये जो एक्ट एक्ट था चार्टर ऑफ 1853 पहली बार इसने हिंदुस्तान में या ब्रिटिश इंडिया के अंडर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गवर्नर जनरल का ठीक है अब गवर्नर जनरल को एक एडिशनल छह मेंबरों की बॉडी दी गई जिसको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ठीक है इन लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स की बॉडी का काम क्या था लॉ बनाने का ठीक है अब ये एक सेपरेट बॉडी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की और इसको क्या बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अब ये जो लेजिस्लेटिव विंग था ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह इसने काम किया क्योंकि छोटा सा ही था छह ही लोगों का था और यहां पर अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स थे वो एडॉप्ट होने शुरू हो गए तो आप ये कह सकते हो कि पहली बार लेजिस्लेशन एक स्पेशल फंक्शन की तरह निकल कर आया सरकार के इससे पहले तो एक्जिक्यूटिव फंक्शन भी वही लोग कर रहे थे और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी वही लोग कर रहे थे लेकिन अब लेजिस्लेशन को एक सेपरेट फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन बना दिया गया सरकार का और उसके लिए एक अलग मशीनरी डिजाइन की गई ठीक है सेपरेशन हो गई है अब फंक्शन की पहली बार तो अगर आपसे स्टेटमेंट ये पूछे अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये पूछती कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर हिंदुस्तान में पहली बार कब हुई तो आप क्या कह दोगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हुई ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपने इन डेप्थ लर्निंग की होगी तभी आप इसको पढ़ सकते हो तो बच्चे जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हो थोड़ा सा बिटवीन द लाइन अगर पढ़ोगे तो अच्छे से इसको कर पाओगे ओके okay? और अब तो अपने पास बहुत अच्छा खासा खासाट टाइम है जो बच्चे सिर्फ EPFO की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पेपर आपका पोस्टपोन हो चुका है तो कंपनी in जिनको पहली बार कहा गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू आपका समय शुरू होता है ओके ये वॉच जो है थोड़ी सी उल्टी सीधी चल रही है तो टेक फिफ्टीन इन अदर सेकेंड टू आंसर इट देन विल सी द आंसर चलिए तो यहाँ पर पर आंसर आंसर क्या होगा बच्चो? यहाँ पर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट था इसकी सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछी जाए तो दो रीजन की वजह से सिग्निफिकेंस थी वो क्या थी पहले सबसे पहली सिग्निफिकेंस इसकी थी कि की जितनी भी प्रॉपर्टी थी कंपनी ने जितनी भी हाँ टेरिटरी कैप्चर करी थी पिछले सौ साल में वो टेरिटरी को अब कहा क्या कह दिया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया यानी कि जो वो अब ब्रिटिश सरकार की टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं है ठीक है दूसरा इस ये इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिश सरकार को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर ठीक है जो भी कंपनी कर रही थी हिंदुस्तान में क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ना शुरू हो गया तो कंपनी के अफेयर्स और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब सुप्रीमली कंट्रोल कर सकती है ठीक है तो कंपनी ऐसे नहीं है कि कुछ भी करे तो सरकार उसको ब्रिटिश सरकार जो है उसको कंट्रोल करेगी इसी इन्हीं दो कारणों की वजह से आपका पिट्स इंडिया एक्ट सेवनटीन का इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पांचवा क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग वॉज अ पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग द पोर्टफोलियो सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया ओके द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ एन सिक्स फॉर द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया आपसे करेक्ट पूछा गया है ठीक है सबसे पहले आपको यहां पर अगर पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब नहीं पता तो आपके लिए क्वेश्चन वैसे ही इंपॉसिबल हो जाता है जिन बच्चों को पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब नहीं पता ठीक है हम जब किताब पढ़ रहे होते हैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी ये पोर्टफोलियो सिस्टम वर्ड आता है लेकिन हम कभी भी मेहनत नहीं करते समझने के लिए कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है तो पहले आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए फिर मैं इसको समझाता हूं समय शुरू होता है अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार दो बार तीन बार और इसको आपने जरूर मार्क कर लेना है करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट पूछा गया दोनों स्टेटमेंट्स जो है पोर्टफोलियो सिस्टम से कंसर्न चलिए तो पहले तो बच्चों पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए अब देखो पोर्टफोलियो सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज नथिंग एल्स जैसे आजकल आपकी मिनिस्ट्रीज होती है ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एक फाइनेंस है एक होम अफेयर्स की है ठीक है और हर मिनिस्ट्री के अपने अपने एरियाज हैं हर मिनिस्ट्री का अपना अपना एक मिनिस्टर है जो उन एरियाज को देखता है तो पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली यही होता है कि आपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और वो डिपार्टमेंट्स किसी ना किसी को हेड करने के लिए दे दिए ठीक है।, है तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं क्योंकि आपके जो लॉर्ड कैनिंग भाई साहब थे इन्होंने ही पोर्टफोलियो सिस्टम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था और 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जिसके थ्रू इस पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिल गई थी ठीक है एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका तो अगर आप देखो पोर्टफोलियो सिस्टम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने एटीन में और इसको एक लीगल जो है एस्पेक्ट मिल गई एटीन के एक्ट के थ्रू ठीक है अगर आप ये स्टेटमेंट रीड करोगी पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वॉइस रॉयस काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट एक व्यक्ति को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी दिए जा सकते हैं जैसे आप अभी भी देखते हैं कि काफी ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा मिनिस्ट्री होती है ठीक है ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ इस डिपार्टमेंट जो भी मिनिस्टर होगा वो अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लेवल ओके सेकंड कहता है कि प्रोवाइडेड डायरकी एट देंटर थर्टी नाइनटीन के एक्ट के थ्रू थर्ड कहता है 1919 के ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया वुमेन को और फोर्थ कहता है कि 35 के एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए एंग्लो इंडियंस को अब यहां पर डायरकी का मतलब पता होना चाहिए पहले तो करेक्ट पूछा गया समय शुरू होता है अब चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है यानी कि वन एंड टू ओनली आर करेक्ट ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बाकी दो स्टेटमेंट्स गलत हैं पहले तो डायरकी का मतलब समझ लो डायरकी होता क्या है ठीक है 1917 में एक अनाउंसमेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आना चाहते हैं हिंदुस्तान में और प्रोविंशियल ऑटोनोमी भी लेकर आना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल अगर आपको सरकार को बनाना है तो प्रोविंसेस में एक सरकार होनी चाहिए ना प्रोविंशियल सरकार होनी चाहिए तो उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि? कि भाई हम प्रोविंसेस को ऑटोनोमी देंगे उनको कुछ सब्जेक्ट देंगे जैसे आपके आजकल स्टेट सब्जेक्ट होते हैं ना आपकी सेवंथ लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें सब्जेक्ट गिवन है स्टेट लिस्ट है एक उसमें उसमें लिखा गया है कि ये ये सब्जेक्ट के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है तो उस समय भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय की जो राज्य सरकारें होती थी उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते थे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा गया कि हम तुम्हें एक तुम्हें एक लिस्ट देंगे अब ये जो लिस्ट थी ना, जो सब्जेक्ट थे, ये दो पार्ट में डिवाइडेड सब्जेक्ट और एक होते थे आपके रिजर्व सब्जेक्ट अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे इसके ऊपर तो कानून जो है वो गवर्नर बनाएगा उस प्रोविंस का गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के कहने पर ठीक है जैसे आजकल आपका होता है कि राज्यसभा जो सॉरी जो विधानसभा है किसी भी स्टेट की वो एक कानून बनाएगी वो गवर्नर के पास जाएगा गवर्नर उसे अप्रूव करेगा कानून बन जाएगा ठीक है तो ट्रांसफर सब्जेक्ट तो ये हो गए अब रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे रिजर्व सब्जेक्ट वो वाले सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर गवर्नर कानून बना देगा लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से बात नहीं करेगा

ठीक है इस एक्ट ने कहा कि डायरकी को प्रोविंस में अबॉलिश कर दो प्रोविंसिस को कंप्लीट ऑटोनोमी दे दो ठीक है उनको दोनों रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कानून बनाने दो और गवर्नर दोनों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो प्रोविंसिस से डायरकी हटा दी 1935 के एक्ट ने लेकिन साथ ही 1935 के एक्ट ने यह बोल दिया कि यह डायरकी वाला सिस्टम आप सेंटर में ले आओ ठीक है और इसी तरह फेडरल सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने यहां पर याद करना है जो अक्सर लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए भी आप भूल जाते हो वो ये वाला है हाउ एवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इन टू ऑपरेशन एट ऑल ये कानून में तो लिख दिया गया था उन्नीस सौ पैंतीस के लेकिन ये कभी भी वर्किंग में नहीं आया ये कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था कि भैया 1919 के एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करे वुमेन को 1909 में नौ मिंटो रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे मुस्लिम्स को अब क्या 1919 के एक्ट ने वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए नहीं जो 1919 का एक्ट था उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए आपके सिख्स को इंडियन क्रिस्टियन को एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को ये आपने याद रखना है कि 1919 के एक्ट ने किस किस को दिए उसके बाद जो 1935 का एक्ट था उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए आपके डिप्रेस क्लासेस को जिसको आप कॉम्यूनल अवार्ड के नाम से भी जानते हो और वुमेन एंड लेबर वर्कर्स को ठीक है तो ये भी आपने याद रखना है कि 1935 में किसको दिए गए सेपरेट देखो 1909 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए 1909 में किसको दिए गए मुस्लिम्स को ठीक है 1919 में किसको दिए गए ये आपके पास लिस्ट है सिख इंडियन क्रिस्टियन एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को और 1935 में किसको दिए गए वुमेन को और लेबर को तो ये याद रखना है कि कौन से कानून ने किसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए उसके बाद अगर आप देखो फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या था कि भाई 1935 के एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए एंग्लो इंडियंस को तो ये भी नॉट करेक्ट हो गया क्योंकि अभी हमने देखा कि एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट किसने दिए थे वो दिए थे 1919 के एक्ट ने तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से एक्ट ने किसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नाइनटी टू अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ओके द वर्ड इलेक्शन वॉज यूज इन द इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन नाइनटी टू फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें से अब आपको क्या बताना है इनकरेक्ट देखो अब इनकरेक्ट पूछ लिया ठीक है अब क्या पूछ लिया इनकरेक्ट तो आपका क्या सही आंसर होगा इनकरेक्ट पूछा गया समय शुरू होता है अब चलिए तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये गलत है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल में मेंटेन की गई 1909 के एक्ट से भी ठीक है और दूसरी और थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? वो देख लेते हैं देखिए सेकंड स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट जो ए, 1909 का था इसने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउ करी थी प्रो, प्रोविंशियल असेंबलीज में लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि 1892 के ने अलाउ करी इसीलिए वाली गलत हो गई क्योंकि 1909 वाले ने की थी ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंशियल असेंबलीज में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी सॉरी सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी ठीक है स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि एटीन का जो इलेक्शन था उनमें देखो प्रोविजन आ गया था इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन का कुछ नॉन ऑफिशियल सीट को फुलफिल करने का लेकिन इलेक्शन वर्ड जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया था 1892 के एक्ट में कहीं पर भी ये वर्ड नहीं लिखा मिलेगा ठीक है क्योंकि ये जो थे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे आम जनता इसमें वोट नहीं कर रही थी कुछ बॉडीज थी जो इसमें वोट कर रही थी ठीक है तो इसीलिए इलेक्शन वर्ड इस एक्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया था आपका डायरेक्ट इलेक्शन या इलेक्शन वर्ड पहली बार जो है अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो 1919 के एक्ट में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एर्थ क्वेश्चन द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स ओके अटेम्प्टेड ओके ऑप्शन टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ऑप्शन थ्री से इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्लेस्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया आपको बताना है करेक्ट चलिए आंसर करिए इसका समय शुरू होता है अब टेक फाइव मोर सेकेंड्स चलिए तो पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं थर्ड स्टेटमेंट गलत है पहली स्टेटमेंट ठीक क्यों है देखिए 1833 के एक्ट ने अटेम्प्ट यहां पर कीवर्ड है अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया ओपन कंपटीशन का सिस्टम शुरू करने का ठीक है लेकिन अभी मैंने आपको पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था

तो स्टेटमेंट गलत हो जाता क्यों, <coughs> सॉरी क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था और फिर इस प्रोविजन को वापस लेना पड़ा क्योंकि ऑपोजिशन हो गया था ठीक है सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड अब यहां पर जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस्ड है ठीक है यानी कि उसको ले आया गया इंप्लीमेंटेशन में तो ये बिल्कुल सही है इस समय इंट्रोड्यूस कर दिया गया था तो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक कर सकता था वर्ड्स को एक्सचेंज करके

स्टेटमेंट कौन से हुए हैं तो तो क्या होगा आपका ठीक है है ये इसकी correct explanation है, आप देख सकते पीडीएफ में आराम में से बैठकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन क्वेश्चन इन द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट चलिए समय शुरू होता है अब चलिए तो आंसर देखें इसका पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि और करेक्ट पूछा गया आपसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कंपनी ने लॉ बनाया कि एक लाख रुपए एंजलिस्ट एजुकेशन के लिए रखना पड़ेगा इंडियंस की स्टेटमेंट जो है बच्चों गलत हो जाती है क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया कि एंजलिसिस्ट एजुकेशन के लिए रखना पड़ेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था एक लाख रुपए रखने के लिए बोला गया था लेकिन एजुकेशन ऑफ इंडियंस के लिए बोला गया था कहीं पर भी यह वर्ड नहीं था कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन देनी है या एंजलिसिस्ट एजुकेशन देनी है यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया था इस एक वर्ड की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाती है दूसरी स्टेटमेंट मिशनरीज वर ग्रांटेड परमिशन टू कम टू इंडिया फॉर प्रमोटिंग मॉरल इंप्रूवमेंट्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी अब उनको इंडिया में आने की परमिशन दे दी गई थी कि वो अपना जो है रिलीजन और जो भी मॉरल इंप्रूवमेंट है उनको प्रमोट कर सके और इस एक रीजन को हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ भी लिंक करते हैं ठीक है क्योंकि ये जो मिशनरीज थी आकर हिंदुस्तान में क्या कोशिश कर रही थी रिलीजन चेंज करने की कोशिश कर रही थी लोगों का तो इसको एज ए नेगेटिव जो है लिया गया था हिंदुस्तान के लोगों द्वारा ठीक है तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट थर्ड कह रही है कि कंपनी का डिविडेंड जो है क्योंकि शेयर होते थे तो कंपनी के जो शेयर हैं उसके ऊपर जो कंपनी का जो इनकम है प्रॉफिट है उसके ऊपर जो डिविडेंड है कंपनी का वो फिक्स कर दिया गया साढ़े दस परसेंट के ऊपर ताकि कंपनी मनचाहा डिविडेंड ना ले पाए और बाकी लोगों को भी वो जो है प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा दे पाए तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है टेन के ऊपर रख दिया गया था इस तरह की स्टेटमेंट जनरली आपको किताबों में नहीं मिलती है और इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली ओके चलिए अब देखेंगे आज का

समय शुरू होता है अब ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है बारह सेकंड बहुत है इसमें फैक्टुअल है या तो आता है या नहीं आता है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एटीन थर्टी फाइव ये मै द्वारा हेड की गई थी और आपकी कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज इसके चेयरमैन भी आपके लॉर्ड मेकॉले थे जो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन 1915 आया इसके हेड थे आपके लॉर्ड इसलिंगटन इसको इसलिंगटन कमीशन भी कहा जाता है ठीक है और इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन आप सब जानते ही हैं साइमन कमीशन जिस बच्चे को कमेंट में रिवीजन करा दो बाकियों की भी साइमन कमीशन के सारे के सारे मेंबर्स का नाम लिख दो ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा वन एंड थ्री में शॉर्ट करके डाल दूंगा, तो दूंगा पोस्ट okay? तो है, है करने हैं कोई डाउट हो वो बताना है अगर मैंने किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत बता दिया है वो भी शेयर करना है ठीक है अपने जो भी डाउट्स हैं अपने शेयर करने हैं और जाने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि Log, जो आपके पॉलिटी हिस्ट्री और इकोनॉमी के एमसीक्यूज तो हम आपको यूट्यूब पे कराई दे हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इसके अलावा लॉ के गैप के सोशल सिक्योरिटी के ठीक है जनरल साइंस के इन सब के एमसीक्यूज जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमने पैक्स बनाए हुए हैं इनके आप जाकर वहां पर ले सकते हो या तो आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट या आप कॉम्बोज भी प्रिपेयर कर सकते हो हमने अलग अलग कॉम्बोज भी बनाए हुए हैं आपकी नीड के हिसाब से जैसे लॉ और गैप का एक कॉम्बो है लॉ और गैप और सोशल सिक्योरिटी का एक कॉम्बो है पूरे सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो है उसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो ठीक है आप प्रॉपरली टाइम्ड मैनर में उनको टेस्ट दोगे फिर आपको टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा कि कितने सही हुए कितने गलत हुए और उसके बाद आप जो है उनके डिटेल आंसर्स भी देख सकते हो और बहुत रीजनेबल प्राइस में ये आपको एम सी क्यूज वहाँ पर मिल जाएंगे तो अभी के लिए इतना ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और जब सब्सक्राइब करते हो ना साइड में घंटी सी बनी होती है उस घंटी को दबा लेना क्योंकि फिर आपको अपडेट आते रहेंगे फोन पे जैसी कोई भी वीडियो आएगा अभी के लिए धन्यवाद कीप योर सेल्फ हेल्दी बाय